फ्रेंड्स, आज हम आपको इजीली घर में तैयार होने वाले बच्चों के लिए क्राफ्ट बताने वाले हैं। अगर आपके पास वेस्ट पेपर है, जैसे कि ये शीट मैंने से काट ली है, कोई भी वेस्ट पेपर आप इस शेप में, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ब्लैंक शीट व्हाइट हो उसको आप क्रेयॉन से, इजीली अवेलेबल होते हैं बच्चों के पास, इसको आप इस तरह से पूरा शेड करके कलर कर ले। किसी भी कलर से अगर आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पेंसिल करके रखी है। अब इसमें आप जो है, अगर आपके पास कोई स्टिक है इसको रोल करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज आपके पास लिक्विड भी घर में अवेलेबल होती है, जिससे आप इसको इस तरह से रोल कर सकते हैं। इसको अब ग्लू से हम इसको चिपका देंगे। और इस तरह से हमने इतनी सारी स्टिक्स तैयार कर ली हैं। अब हम इस तरह से स्क्वायर शेप में शीट काट लेंगे। इसके हम फ्लावर्स बनाएंगे। आपको वैसे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्लावर मेकिंग के लिए बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं कि फ्लावर कैसे बनाते हैं। अब इस तरह से आप जब फोल्ड कर लेंगे, स्क्वायर शेप है, इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फिर इस पे आप फ्लावर की एक पंखुड़ी को ड्रॉ कर लीजिए कि आपको किस शेप में फ्लावर चाहिए। ये हो गया ड्रॉ, जैसा कि दिख रहा है। अब हम इसे कट करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्राफ्ट है, इसको आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर शीट अवेलेबल है तो आप उससे भी इस फ्लावर को बना सकते हैं, वो और बेटर लगेगा। बट ये मैंने छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए आप इसको व्हाइट शीट मैंने यूज किया है, आप कलर शीट भी यूज कर सकते हैं। फ्लावर को इस तरह से कलर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये मैंने कलर कर लिया है। और एक स्क्वायर शीट लेंगे, इसको हम येलो कलर से कलर कर रहे हैं। कुछ ये देखिए, हमने कुछ जो स्क्वायर शेप में कलर कर लिया, ये दूसरे शेप का एक फ्लावर है। अब इसको फिर हम इस तरह से ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। ये देखिए होल बन रहा है। पहले इस पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, फैला देंगे ये, और फिर यहाँ पर, और इन तीनों को हमने ऐसे ऐड कर दिया। इसी तरह इसको भी हम लोग हो गया। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मैंने पहले से ही कलर करके रख लिया था, ये हो गया। इसको आप डबल कर लीजिए, डबल करके, या पहले इसको फोल्ड करिए, फिर उसके बाद इसकी राउंड शेप में कट कर लीजिए। ये देखिए ये राउंड हो गया। अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे। फिर हम इसको इस तरह से कट करके एक फ्लावर के बीच में लगाने के लिए एक स्मॉल फ्लावर बना रहे हैं। अब इसको घुमा करके इस साइड से भी इसी तरह से कट करेंगे। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है, ये इस तरह से। और अभी मैंने बताया था कि आप इस तरह से चिपका लेंगे फ्लावर को। अब इसको गम की हेल्प से इसको भी थोड़ा सा चिपका लेंगे, इतना जितना इसके अंदर ये आ जाए, सेट हो जाए। अब इसको यहाँ से थोड़ा ग्लू लगा देंगे। ये हो गया। अब हल्का सा ग्लू इसके अंदर भी हम डाल देंगे, ताकि ये इसमें आसानी से चिपक जाए।
कुछ इस तरह से। अब आपके पास अगर थर्माकोल की बॉल्स है तो उनको इसके बीच में कुछ इस तरह से गम लगा करके डाल दीजिए। अब ये देखिए मैंने कुछ फ्लावर्स पहले से कंप्लीट कर लिए हैं, इस तरह से हो गए मेरे पास कुछ फ्लावर्स। अब थर्माकोल की बॉल्स तो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। आप सब में थर्माकोल की बॉल्स डाल दें। और कुछ लीफ आप इस तरह से यानी पत्तियां काट करके रख लें। अब हम इन फ्लावर्स को ऐसे रिपीट की हेल्प से कर्ल कर लेते हल्का हल्का सा। ये देखिए हमारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक शीट लेंगे इसका शेप में, उसको कलर कर लीजिए जिस भी कलर से करना चाहे इस तरह से। फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको ग्लू की हेल्प से हमें इस पे लगा देना है। ये देखिए अब ये हमारा कोन तैयार हो गया है बुके के लिए। अब हमने ये जो स्टिक बना के रखी है इसको देख लेंगे कि ये कितनी लंबी है, फिर उस हिसाब से हम इसको कट कर देंगे कुछ इस तरह से। लगभग सारी एक साइज की कर दीजिए या आपको जैसे भी चाहिए हो उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। फिर इस पे आप फ्लावर्स को लगा दीजिए, देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने कुछ फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें रख करके देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये आएंगे, तो हमें यहाँ पे एक एक फ्लावर्स और लगा देंगे। ये देखिए अब हमने इसमें कुछ पत्तियों को भी अपने हिसाब से सेट कर लिया है। आप चाहे तो जहां पे भी आपको लगे वहां आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। एक मैंने एक शीट कलर करके रख ली है। अब इस पे दो ड्रॉ करेंगे, तो पहले इसको कर लीजिए, फिर इस पे एक ये शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसको कट करेंगे। ये ड्रॉ हो गया इस तरह से। अब हम इसको इस पे चिपका देंगे। ये हमारा ये सेंटर आ रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको ऐसे चिपका देंगे। फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे छोटा सा फ्लावर जो मैंने पहले से बना के रखा है अभी आपको बताया था कैसे ये कट होता है, ये हो गया। और फिर इस तरह की एक शीट आती है, आप कभी भी मार्केट से ले सकते हैं। इसमें से एक मैंने कट किया और इसको इस फ्लावर के सेंटर में लगा देंगे ताकि हमारा बुके अच्छा लगे। ये देखिए, और ये टेप है, इससे आप अपने बुके को अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के टेप भी आपको स्टेशनरी शॉप वगैरह पे आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं जिस तरह से इसको। अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे और थोड़ा इसको और स्टाइलिश बना सकते हैं। ये देखिए
ये देखिए अब हमारा बुके कंप्लीट हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। अब ये जो हमने फ्लावर्स पहले से तैयार करके रखे हुए थे अब इनको इसमें सेट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा बुके कंप्लीट हो गया है। आप इसमें चाहे तो और फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से। टेन स्टिक्स है, अब इनको आप इस तरह से रख लीजिए। फिर हमें इस तरह से इसको लगाना है। अभी यहाँ पे ब्लू की हेल्प से इसको निकालेंगे। ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इस पे हम ये बुके चिपका लेंगे बुके हद से। ये हमने स्क्वायर शेप में कुछ पर्पल कलर के पीसेस काट लिए हैं पेपर के और फिर हम इसमें इस तरह से इसको कट कर देंगे। फिर हम इसे यहाँ ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह से ये देखो अभी हमारा बुके कंप्लीट हो गया है। ऐसे हमने एक डोरी ले ली, इससे हम इसको यहाँ पे लगा देंगे ताकि हम इसे वॉल पे हैंग कर सकें। अभी हमारा बुके कंप्लीट हो गया है और इसे हम वॉल पे हैंग कर सकते हैं या जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो वहाँ आप इसको हैंग कर सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसे कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं, अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं इससे या अपने डोर पे भी लगा सकते हैं।